आखिर क्यों बाराबंकी में पुलिस की कार्रवाई पर उतरे हैं सवालिया निशान? कैसे देहरादून में पेड पार्किंग के नाम पर बड़े बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक कर रहे हैं अवैध वसूली? संभल में एक व्यक्ति का राइफल ताने वीडियो क्यों हो रहा है वायरल? साथ ही बात होगी न्यूज वर्ल्ड इंडिया के खबर के असर की, कैसे आधे घंटे में ही हुआ खलीलाबाद में खबर का असर, दिखाएंगे आपको। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। खबर चमोली से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने चमोली के नागनाथ पोखरी में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी ग्राम उद्योग और पर्यटन शरदोत्सव मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उनके साथ मौजूद रहे। खबर देहरादून से है। राजधानी देहरादून में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, लेकिन इन पार्किंग में लोग अपने वाहन पार्क करने से कतरा रहे हैं। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग उन मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बजाय सड़कों पर ही गाड़ी पार्क कर रहे हैं। इसका कारण साफ है कि यहाँ पर उनसे पार्किंग के नाम पर अवैध तरीके से अधिक वसूली की जा रही है। मामले पर पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। एसपी यातायात ने पार्किंग स्थलों का निरीक्षण करते हुए हिदायत दी कि पार्किंग के नाम पर सड़कों का इस्तेमाल ना किया जाए। मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आने वाले लोगों को उसी पार्किंग में वाहन पार्क करवाए, जिससे यातायात में असुविधा ना हो। अगली खबर लक्सर से है। लक्सर पुलिस ने एक व्यक्ति को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए लक्सर कोतवाली के एसएसआई अंकुश शर्मा ने बताया कि उन्होंने नगला खिताब जाने वाले रास्ते से एक व्यक्ति को पकड़ा था, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से लगभग 7 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसके खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सितारगंज में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का चलाए जा रहे नशा मुक्त जनपद उधम सिंह नगर अभियान के तहत पुलिस ने लगभग 5.5 ग्राम स्मैक बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऋषिकेश के भरत विहार के खाली प्लॉट में रखे 2 यूनिपोल को चोरी करते हुए पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। मौके पर एक कार, एक ट्रक, एक हाइड्रा भी बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उनको जेल भेजने के आदेश दिए हैं। कोतवाल रवि सैनी के मुताबिक यूनिपोल के मालिक इंदिरा नगर निवासी विकास शाही की शिकायत पर पुलिस भरत विहार में पहुंची। मौके पर पुलिस को देख एक ट्रक के पास खड़े कुछ युवक डर कर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने युवकों का पीछा किया और उन्हें कुछ दूरी पर जाकर घेराबंदी कर दबोच लिया। गोंडा में पुलिस कस्टडी में लाइनमैन की हुई मौत मामले में परिजन और ग्रामीण उग्र हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों, सपाइयों और बिजली विभाग के कर्मियों ने गोंडा अयोध्या हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। प्रदर्शन कर रहे परिजन 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दरअसल नवाबगंज थाना क्षेत्र में 8 सितंबर को हुई झोलाछाप डॉक्टर राजेश चौहान की हत्या के मामले में पुलिस ने एक लाइनमैन को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया था। इस दौरान उसकी हालत बिगड़ी और आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले को देखते हुए एसपी ने परिजनों की तहरीर पर थानाध्यक्ष और एसओजी को निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले को लेकर जाँच के भी आदेश दिए हैं। कल देवनारायण यादव, जो कि 24 वर्ष के हैं, इनको एक हफ्ते पहले हुए एक मर्डर के केस में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा एवं एसओजी टीम द्वारा थाने नवाबगंज पर इंटरोगेशन के लिए लाया गया था। उस समय थाने पर बाहर उनके पिताजी एवं प्रधान भी मौजूद थे। जैसा कि वहां पर उपस्थित पुलिस वालों ने बताया, वहां पर उनकी तबीयत सडनली ख़राब हो गई। फिर पुलिस द्वारा इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इनको मृत डिक्लेयर कर दिया है। मैंने स्वयं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विजिट किया, वहां पर मॉर्चरी गया। वहां पर उसके बाद प्रक्रिया के बाद मजिस्ट्रेट के द्वारा पंचनामे की कार्रवाई हुई, जिसमें कि कोई इंजरी मार्क्स बॉडी पर नहीं पाए गए हैं।
उसके बाद एक पैनल के द्वारा, डॉक्टरों के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी वगैरह हुई है। खबर औरैया जिले से है। प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के निर्देश के बाद औरैया शहर में भी जिला प्रशासन की गठित टीम ने दारुल उलूम यतीम खाना में पहुंचकर मदरसे का सर्वे किया और मौजूद पदाधिकारियों से जानकारी जुटाई। डीएम के निर्देश पर पूरे जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर दो टीमों का गठन किया गया है। डीएम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शासन के निर्देश पर यह सर्वे अभियान शुरू किया गया है। अब तक 7 से 8 मदरसों का सर्वे किया जा चुका है। शासन ने इधर निर्देश दिया है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, मान्यता अभी उन्होंने नहीं ली हुई है, ऐसे मदरसों का एक सर्वे किया जाए और शासन ने एक प्रोफार्मा दिया, उस पर रिपोर्ट मांगा है। तो हमने तहसीलवार टीम बनाई हुई है जिसकी अध्यक्षता एसडीएम कर रहे हैं। एसडीएम हैं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ भी हैं इसमें, और नगरीय क्षेत्र में ईओ नगर पालिका है। तो ये टीम जाकर के देखेगी कैसे ऐसे मदरसे हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, और उनसे 10 बिंदु का हमारा प्रोफार्मा, उस पर सूचना भर के शासन को प्रेषित की जाएगी। आगे जो शासन का निर्देश होगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 10 सितंबर की रात को लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। थाना कोतवाली शहर पुलिस और स्वाट टीम ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शातिर लुटेरों से पुलिस ने एक लूटा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली, मोटरसाइकिल और 2 तमंचे भी बरामद किए हैं। देखिए, विगत 10 तारीख को रात में 1 बजे के आसपास एक हेमराज कॉलोनी में नया कोल्हू बना रहे थे लोग, वहीं पर सोए हुए थे। ये 5 लोग आए और उन सबको नशा करा के उनका ट्रैक्टर ट्राली, ट्राली में मोटरसाइकिल डाल के चले गए और ये सब बेहोश थे। सुबह पुलिस को जब सूचना मिली तो सूचना पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया। जब होश आया उन लोगों को तो यह बताया कि हम लोगों को बांध के नशीला पदार्थ कोई पिला के और हमारे ट्रैक्टर एक अर्जुन महिंद्रा का, एक ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल ये लेके चले गए लोग। खबर सहारनपुर से है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव शर्मा और जिलाध्यक्ष मयंक शर्मा के नेतृत्व में एक ज्ञापन सहारनपुर के डीएम को सौंपा। प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक सुनील भारद्वाज भराला और उनके परिवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने जान से मारने की धमकी दी है। ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि पूर्व राज्य मंत्री को सुरक्षा प्रदान की जाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम यहाँ आए हैं गन्ने के मामले को लेकर। गन्ने का रेट चाहिए हमें 450 रुपये कम से कम, चूंकि किसान की जो लागत है वो 400 रुपये से ऊपर आ रही है और किसान को इससे कोई लाभ नहीं, किसान का घाटे का सौदा हो रहा है। अब खेती करता है गन्ने की, तो गन्ने की जो हम खेती कर रहे हैं उसमें हमें घाटा हो रहा है। तो इस चीज़ को इन्हें सरकार को देखना चाहिए कि भाई किसान को जब इतना माला अपनी लागत मूल्य हमारा 450 है और हमें गन्ने का रेट मिला 300 रुपये, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो हमारा सरकार से आह्वान है, रिक्वेस्ट है सरकार से कि भाई हमारे गन्ने का रेट कम से कम 450 रुपये होना चाहिए। ये इसके अलावा हमारी मांगे हैं जो बिजली का मीटर लग रहे हैं आजकल 12 लोप है, जो नलकूप है उन्हें बिजली का मीटर ना लगाया जाए, क्योंकि बिजली का मीटर में बहुत बड़ी धांधली है। अगली खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में राष्ट्रवादी नेता और अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। राष्ट्रवादी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से लोगों का जगजीवन प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहारनपुर के कार्यालय का घेराव करते हुए हमने प्रदर्शन कर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। देखिए, आज हमारे यहाँ जनपद सहारनपुर में आजादी से पहले 2 उद्योग लगे थे, स्टार पेपर मिल, ITC, आजादी से पहले। लेकिन आज उनकी मशीनें बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, वो मशीन उन्होंने बदली नहीं है। उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं आज जहर निकालने का काम कर रहा, उनसे निकलने वाला पानी एक जहर का काम कर रहा। हमने उसके विरोध में
ज्ञापन दिया अधिकारियों को, हमारी बात पे कोई गौर नहीं हुआ। उसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी, तब जाकर हमारे निवास पे पेपर मिल के पास हमारा निवास है, वहाँ जाकर एक जांच मशीन लगाई। उस जांच मशीन की रिपोर्ट जो आई मानकों से 3-4 गुना अधिक जहर की आई। बाराबंकी के जैदपुर कोतवाली में एक चोर ने कई बार अलाउद्दीन के जन सेवा केंद्र को निशाना बनाया, जिसमें चोर ने अब तक लाखों की चोरी कर डाली है। पीड़ित ने जब चोर को रंगे हाथों पकड़ा और उसको पुलिस के हवाले किया तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बजाय उसे छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी बीमार था, इस वजह से उसे छोड़ा गया है। वहीं पीड़ित ने बताया कि जैदपुर कस्बे में तैनात दो सिपाही आरोपी को बचाने में लगे हुए हैं। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी इनका मुखबिर है, इसलिए आरोपी को थाने लाकर तुरंत छोड़ दिया। संभल के अशोकनगर में बिजली चेकिंग करने गई टीम के साथ बदसलूकी की गई। दबंग व्यक्ति ने टीम को अश्लील गालियां देते हुए राइफल तान दी, साथ ही व्यक्ति ने उनको जान से मारने की भी धमकी दी। धमकी देने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंग व्यक्ति के इस कारनामे से टीम बगैर चेकिंग के लौट गई, साथ ही बिजली चेकिंग करने गई टीम ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजा है, जहां तालाब की जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग और निर्माण किया जा रहा था। मामला सदर कोतवाली के महमूद खां सराय का है, जहां रेतला तालाब की जमीन पर दबंग प्लॉटिंग कर रहे थे। वहीं कुछ लोगों ने मकान भी बना लिए थे। अवैध प्लॉटिंग की सूचना के बाद सदर SDM मौके पर पहुंचे और बुलडोजर से निर्माण को ध्वस्त कराया। वहीं SDM ने बताया कि वो जगह तालाब की है और प्लॉटिंग करने वालों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये तालाब के समीप की जमीन है और ये वकील लाल साहब और उनके परिवार के लोगों के नाम दर्ज है। और जानकारी मिल रही है कोई हाजी आफ्ताब नाम के व्यक्ति ने यहाँ पे अनधिकृत रूप से प्लॉटिंग कर रखी है, जिसमें 7-8 लोगों ने अपने मकान भी बना लिए हैं। बाकी सब अनधिकृत प्लॉट के सिंबल्स हैं। तो ये चूँकि इसका लेआउट भी पास नहीं है, ना इनका रेरा में रजिस्ट्रेशन है, तो अन्य जो हमारे यहाँ के शहरी हैं या ग्रामीण लोग हैं वो भ्रमित होकर यहाँ पे प्लॉट ना खरीदें, ताकि उनके आर्थिक क्षति को रोका जा सके। इसके लिए हम लोग इनकी कॉलोनी के जो सिंबल्स हैं उनको ख़त्म करा रहे हैं। तो रोड्स इन्होंने डाल रखी हैं 10-12-15 फीट तक की, इनको समाप्त किया जा रहा है और जो अनधिकृत निर्माण है इनको नोटिस देके इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं खबर के असर की। खबर चलने के महज आधे घंटे बाद हुआ खबर का असर। जी हाँ, महज आधे घंटे में। मामला है नगर पालिका खलीलाबाद का, जहां मोहल्ला मड़िया में जल जमाव को लेकर न्यूज़ वॉल इंडिया के खबर दिखाए जाने के बाद नगर पालिका खलीलाबाद नींद से जागा और पंप सेट लगाकर मोहल्ले वासियों को अस्थायी समाधान दिया। आपको बता दें कि जिस सड़क पर लबालब पानी भरा था उसी सड़क पर अब लोग आराम से आ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वही बगल के दलित बस्ती में हालात जस के तस बने हुए हैं। आपको बता दें कि संत कबीर नगर की नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के मोहल्ला मड़िया वार्ड नंबर 25 में बारिश के पानी से जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई थी। मोहल्ले के सभी रास्तों पर पानी भरा हुआ था, नालियों का गंदा पानी सड़कों के साथ साथ घरों में घुस गया था, जिससे लोगों को काफ़ी समस्या हो रही थी। वहीं इस मुद्दे को न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने अपने चैनल पर उठाया, जिसके बाद मोहल्ले वासियों को अस्थायी समाधान दिया गया। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।